बागेश्वर धाम के बहुत सारे वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इस धाम पर बालाजी का दरबार लगता है, इसलिए यहां हजारों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं। भारत ही नहीं, विदेशी भी यहां आकर बालाजी के दर्शन करते हैं। इस धाम का कार्यभार धीरेन्द्र कृष्ण जी संभालते हैं, इसलिए इन्हें बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव मिस्टीरियस फैक्ट्स में। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं, और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी ए पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहता है कि आओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं, ताकि लोगों को सुविधा हो। इसकी में किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे, तो अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ, अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गाँव में भागना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए हैं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया है। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं, विदेश में भी फैल गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गाँव ग्राम गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने के एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरे बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत जिनका नाम भगवान दास गर्ग था, वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट से किया, लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति सेवा साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरु जी का समाधि स्थल है। यहां पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांध कर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आपका पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।